और सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 26 और 27 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का, बड़ी जानकारी न्यूज 24 आपको दे रहा है। देखिए, लगातार दिल्ली की सियासत पर सबकी नजर है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले ने सभी को चौंकाया है। आज नया नाम सामने आने वाला है कि अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि साढ़े चार बजे जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे, दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है आज की, लेकिन उससे पहले दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, तारीख भी सामने आ गई है, 26 और 27 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल की बैठक में अब से थोड़ी देर के बाद जो कि 11:30 बजे शुरू होने जा रही है उसमें नाम तय होगा। इससे पहले भी मैराथन बैठकों का दौर चला है, कई नाम सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, सीधे रुक कर लेते हैं। वरुण हमारे साथ मौजूद है, वरुण लगातार अपनी नजर बनाए हुए, साथ ही मेरी सहयोगी पल्लवी भी जुड़ी हुई है, राहुल प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर खबर पर हमारी नजर है, लेकिन सबसे पहले वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं। वरुण, तारीख सामने आ गई है, 26 और 27 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। देखिए, नाम अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, नाम अनाउंस करने से पहले विशेष सत्र की तारीखें सामने आ गई हैं। देखिए, मैंने कहा ना, पहले से स्ट्रेटजी तय है, पहले ये तय किया जाएगा कि आखिर नाम कौन रहेगा, सीएम की घोषणा होना, फिर कहीं ना कहीं उस नाम को फाइनलाइज करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह और फिर विधायकों के सामने विधानसभा सत्र बुलाकर कुछ मौजूदा ऐसी चीजें हैं जिस पर फैसला लेना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, इसमें तमाम घोषणाएं आपको करनी है, बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं, तो उन तमाम चीजों को आपको अमली जामा पहनाना है। इसलिए विधानसभा का इस विशेष सत्र को 26 और 27 तारीख को फिक्स किया गया है, लेकिन उससे पहले के जो दिन है यानी कि आज से लेकर 26 तारीख तक जो करीब करीब 9 दिन का समय है, ये राजनीतिक रूप से दिल्ली की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक नया मुख्यमंत्री, एक नया चेहरा दिल्ली की जनता को मिलने वाला है, और आप ये मान के चलिए और ये समझ के चलिए कि दिल्ली का जो अगला मुख्यमंत्री जो नाम होगा, जो फाइनल किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के इतिहास में अमर इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी ने 10-15 साल राज किया, शीला दीक्षित ने, फिर अरविंद केजरीवाल, उसके बाद आपको वो मौका मिला, तो आप उस सियासत को कैसे आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि नाम ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी लोगों में से होगा, क्योंकि आप अपना उत्तराधिकारी, आप अपनी गद्दी, एक तरीके से राजगद्दी, अपनी सियासत, अपनी मुहिम, सब कुछ उसके हाथ में सौंप रहे हैं, ये सोचकर कि अगले 3 से 4 महीने यही व्यक्ति है जो दिल्ली वालों से संपर्क साधेगा, इसी के नाम पर आप चुनाव में जा सकते हैं, इसी के नाम पर आप वोट मांगेंगे अगले 3 से 4 महीने के कार्यकाल में, क्योंकि जब नाम बदलता है, जब फेस बदलता है और चुनावी मौसम में, फिर शायद वो 4 साल 6 महीने गुजरे या 5 महीने गुजरे, उनमें और अब में ये अंतराल हो जाएगा कि नया सीएम 4 या 5 महीने 3 महीने या 4 महीने जितने टाइम तक जो है वो कनेक्टिविटी बनाता है, उतने टाइम में वो अपनी बात को कैसे रख पाएगा, ये जरूर देखना होगा। तो मेरे हिसाब से विपनेश, मैं ये समझता हूँ कि 12 बजे करीब विधायकों की बैठक, अभी 11:30 शुरू हो जाएगी, 12 बजे करीब नाम फाइनलाइज किया जाएगा, 12 बजे के बाद एक आधिकारिक घोषणा हो सकती है, ये भी हो सकता है कि प्रेस वार्ता के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस नाम की घोषणा की जाए, या डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नाम की घोषणा की जाए, या जो भी तरीका रहेगा उस माध्यम से रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नया नाम हो सकता है कि कैबिनेट में से एक हो सकता है कि बिल्कुल चौंकाने वाला हो, और हो सकता है ऐसा नाम हो जिसे सुनकर आप और हम कहें कि अरे वाह, ये नाम कैसे आ गया, इसकी तो हम एक्सपेक्टेशन ही रखते थे। तो अरविंद केजरीवाल हैं, बहुत कुछ सोच समझकर ही तय करते हैं कि आखिर किस तरीके से दाव खेलना है, कैसे दिल्ली की जनता की सियासत पे जो उन्होंने एक छाप छोड़ी है उसको आगे बढ़ाना है, और कैसे दिल्ली वालों को ये समझाना है कि जो नया नाम होगा वो आपके लिए मेरे बिहाफ पर काम करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल वरुण, जिस दिन रविवार को अपने इस्तीफे का ऐलान किया उसी दिन न्यूज 24 ने बताया था कि पूरा जो स्ट्रेटजी है, पूरा जो प्लान है, पहले से ही अरविंद केजरीवाल का तैयार है, मात्र अब अनाउंस करना है, ऐलान करना है। ठीक है, हमारी भी नजर है, देखते हैं कि अगला सीएम दिल्ली का कौन होगा। सीधे सीएम आसान राहें नहीं है इतनी अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, और उन तमाम नेताओं के लिए जो ये बात जानते हैं कि 3 महीने के बाद आपको चुनावी मौसम में उतरना है। और अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीएम आवास का माहौल दिखाता हूँ,
और क्योंकि मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, विधायक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, विधायकों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन मीडिया का जमावड़ा देखिए, तमाम लोगों की नज़रें इस बात की हैं कि आखिर जो नाम घोषित होगा वो क्या रहेगा, किस तरीके से उस नाम को आगे प्रेजेंट किया जाएगा, उस नाम के पीछे कारण क्या रहेगा, और किस तरीके से आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उस नाम की जो जिम्मेदारियां होंगी वो क्या क्या होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के फिलहाल सिक्योरिटी भी आपको नजर आ रही होगी, मीडिया का जमावड़ा नजर आ रहा होगा, विधायकों का पहुंचना लगातार यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट समझिए कि अभी की जो स्थिति है, अभी की जो परिस्थितियां हैं, वो ये समझाती हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमें जिस नाम को तय करना है उस नाम की जिम्मेदारियां हमने पहले तय करी हैं। जब आप इस्तीफे देने की बात करते हैं तो आप पहले ही तय करके बैठे होते हैं कि आपको किस नाम को आगे बढ़ाना है, तो शायद ये बात अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते थे। दूसरी बात मैं आपको ये समझाऊं कि जहां तक सूत्रों की माने तो पहली बात यह है कि कैबिनेट में से ही किसी नाम को फाइनल करने की बात शुरुआती दौर से सोची जा रही थी, यह भी कही जा रही थी कि कैबिनेट में जो नाम रहेगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ज्यादा इसलिए कनेक्ट कर पाएगा क्योंकि वो पहले से मंत्री है, और जो पहले से मंत्री है वो लगातार कनेक्टिविटी बना के रखा हुआ होगा, उसकी जो है वो कहीं ना कहीं सचिवालय में पहुंच होगी, वो उपराज्यपाल से अपनी कनेक्टिविटी बना सकता है। तो ये भी एक सोच हो सकती है कि नए नाम की जगह कैबिनेट में किसी नाम को ही फाइनलाइज किया जाए। दूसरी बात यह भी है कि आपको अब पार्टी गाइडलाइंस के हिसाब से सोचना है, पार्टी की सोच के हिसाब से सोचना है, तो यह भी हो सकता है किसी नए नाम को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन न हमको पता न किसी और को पता, केवल अरविंद केजरीवाल ही हैं, केवल अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने ये तय कर लिया, जिन्होंने फाइनल कर लिया कि आखिर किसके नाम को फाइनलाइज करना है। अब समझिए अगला एक्शन प्लान क्या होगा। इसी घर से गाड़ियां अंदर जा रही हैं, लगातार विधायक यहां से अंदर पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे करीब मीटिंग शुरू हो जाएगी, 12 बजे औपचारिक तौर पर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये नाम तो फाइनल है, विधायकों की मीटिंग में बस उस नाम को रखा जाएगा और उसके बाद ये फाइनल कर लिया जाएगा कि आखिर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। 12 बजे करीब ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आप कहते नजर आएंगे कि शायद जिस नाम की हम लोग कल्पना करे थे हो सकता है कि वही नाम हो, और हो सकता है ऐसा नाम हो जिसके बारे में ना आपने सोचा होगा और ना हमने सोचा होगा। लेकिन विपनेश ये बहुत तय है कि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी उस नाम के ऊपर, और उस नाम के ऊपर जो दायित्व होंगे वो मैं आपको समझाता हूं। पहली बात, पहली जिम्मेदारी जो रहने वाली है, दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदारों का पेमेंट रुका हुआ है, उसको पास करवाना है, उसको क्लियर करवाना है। दूसरी जिम्मेदारी जो रहने वाली है वो ये कि जो महिलाओं का रुका हुआ पैसा है 1,000, उसको जो है फाइल सेंशन करवानी है। तीसरी जिम्मेदारी ये कि जल बोर्ड के साथ जो दिक्कतें आई हैं पिछले कुछ दिनों में, जो वहां पर कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल पाई है, उसको क्लियर करवाना है। और बिजली सब्सिडी पर एक रणनीति है अरविंद केजरीवाल सरकार की, उस सोच को भी आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिस पर अगले 3 महीने में चुनावी मौसम में घोषणाओं के साथ दिल्ली के जो नया सीएम होगा उसको उतरना होगा, और शायद ये परिस्थितियां समझाने के लिए काफी है कि राहें जो आसान आपको नजर आ रही हैं वो इतनी है नहीं, आपको जनता से मुखातिब भी होना है, आपको परसेप्शन बदलना है। शराब नीति, कथित शराब नीति घोटाले में जो परसेप्शन बदला है आम आदमी पार्टी का, जो आरोप लगे हैं उसको आपको धूमिल करना है, तो इसलिए कनेक्टिविटी बनाना भी पड़ेगा। क्या जनता दरबार दोबारा लगाने की बात की जाएगी? हो सकता है कि ऐसा भी हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अगले 3 महीने में आपको सामने निकल के आए। लेकिन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर इकट्ठे हैं, मीडिया का जमावड़ा, विधायकों का पहुंचना, लगातार यहां पर मीटिंग का दौर थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। 11:30 बजे करीब जो मीटिंग शुरू होगी उसमें एक बात स्पष्ट है कि उस मीटिंग में जो नया नाम होगा उसमें अरविंद केजरीवाल ये भी बताएंगे कि आखिर उस नाम को फाइनल करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि नाम रखने के साथ साथ उसके बारे में यह भी समझाना पड़ेगा कि आखिर मुख्यमंत्री ने उस नाम को क्यों फाइनल किया, आखिर कारण क्या थे, तथ्य क्या थे, विधायकों को यह समझाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद ही उस नाम को औपचारिक तौर पर कहीं ना कहीं विधायकों के सामने रखते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। ये गेट हमने आपको दिखाया, दूसरा गेट देखिए, तमाम कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। हालांकि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर जा रहा है क्योंकि केवल विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है, तो बहुत स्पष्ट है, थोड़ी देर और सब्र रखते हैं। सब्र का फल कहते हैं कि मीठा भी होता है, शायद हो सकता है कि नया सीएम जो हो उसका नाम सुनकर हम ये कहते नजर आए कि ये नया सीएम जो है वो अगले 3 महीने में वो तमाम जिम्मेदारी उठाएगा जो अरविंद केजरीवाल की रह गई हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी टूट गई है पिछले कुछ महीनों में, जेल में जो समय गुजरा है उन तमाम रुके हुए कामों को पूरा करना है और दिल्ली के अंदर उन रुके हुए कामों को आगे बढ़ाना है। जी विपनेश, बिल्कुल वरुण आप सही कह रहे हैं, कई नाम है जिसमें अभी कैलाश गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, आतिशी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिस्ट में है, तो
क्या इसके अलावा कोई ऐसा नाम आएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सभी को चौंका सकता है? इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि न्यूज 24 ने बड़ी खबर चलाई थी कि कोई ऐसा नाम आ सकता है जो चौंकाने वाला होगा।